हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन स्टडी। आज हम करेंगे सैम्पल पेपर नंबर 4। रीजनिंग सेक्शन के 3 सैम्पल पेपर्स ऑलरेडी आपको सैम्पल पेपर्स नाम की प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे, वहाँ पर जाके मिल जाएंगे। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सो JKSSB क्लास 4 की जो रिक्रूटमेंट है उसमें रीजनिंग सेक्शन 20 मार्क्स की है आपकी, और उसमें ये 8 टॉपिक्स जो हैं ये मैंशनड है सिलेबस में। आज हम 20 MCQs इस पर करेंगे जो बेस्ड है इन्हीं 8 टॉपिक्स पर। तो ये जो 20 क्वेश्चंस आज हम करेंगे ये आप साथ साथ सॉल्व कीजिए, और फिर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इन 20 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए। तो लेट्स स्टार्ट। जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये हमारा बेस्ड है एनोलॉजी टॉपिक पर। इसमें हमें दिया गया है कि आर्किटेक्ट का रिलेशन जैसा बिल्डिंग के साथ है, हमें बताना है स्कल्प्टर का रिलेशन किसके साथ होगा इन ऑप्शंस में से। सो इफ वी सी, आर्किटेक्ट जो है वो बिल्डिंग बनाता है, तो स्कल्प्टर जो है वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा स्टैचू। तो ऑप्शन सी इसका जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो बेस्ड ऑन एनोलॉजी, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है फर्स्ट वाले से। इसमें एक पेयर आपको गिवन है, और जो रिलेशनशिप पेटल और फ्लावर का होगा आपने ऑप्शंस में से बताना है किस पेयर का रिलेशन उसके साथ सेम है। तो अगर हम देखें जो पेटल है वो फ्लावर का एक पार्ट है, उसी तरह से ऑप्शंस में हम देखेंगे कि सॉल्ट एंड पेपर जो है वो अलग अलग चीज़ें हैं, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द अदर। टायर और बाइसिकल, तो टायर जो है वो बाइसिकल का एक पार्ट होता है, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3, ये भी एनोलॉजी पे बेस्ड है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है पहले 2 क्वेश्चन से। इसमें हमें 3 चीज़ों का रिलेशन जो है वो गिवन है, और हमें जो ये मिसिंग वैल्यू है इन 3 के रिलेशन में वो बतानी है क्या होगी। एप्पल जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ फ्रूट, उसी तरह से नॉवल जो है वो एक टाइप ऑफ बुक होती है, ठीक है। और फ्रूट जो है वो कहाँ पर मिलता है, सुपरमार्केट में, तो बुक हमें कहाँ पर मिलेगी, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। बुक कहाँ पर मिलती है, बुक स्टोर में। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसमें हमें 4 ऑप्शंस गिवन है और हमें बताना है इनमें से ऑड वन आउट कौन सा है। 4 हमें अल्फाबेट्स गिवन है KHS और G, इसमें से हमें बताना है ऑड वन आउट कौन सा होगा। तो जैसे हम जानते हैं कि जो A से Z तक अल्फाबेट्स हैं उनकी पोजीशन के हिसाब से नंबरिंग दी जाती है, जैसे A की पोजीशन होती है 1, Z की होती है 26, ठीक है। तो उसी तरह से K की जो है वो पोजीशन होती है 11, H की होती है 8, S की पोजीशन होती है 19, और G की जो है वो पोजीशन क्या होती है, 7। तो यहाँ से हमें ऑड वन आउट कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये सारे ही अल्फाबेट्स जो हैं कॉन्सोनेंट्स हैं, इनमें से वोवल कोई नहीं था, तो वो वाला लॉजिक हम नहीं लगा सकते ऑड वन आउट के लिए, इसीलिए हमने ये पोजीशंस वाला लॉजिक लगाया। तो अगर हम देखें 11, 19 और 7 ये सारे ही ऑड नंबर्स हैं, लेकिन H जो है उसकी पोजीशन इवन आ रही है, एच की पोजीशन इवन है, बाकी सबकी ऑड, दैट इज़ वाई जो हमारा ऑड वन आउट होगा और सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी जो कि है H। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पूछा गया है ऑड वन आउट बताना है, हमें कुछ पेयर्स दिए गए हैं अल्फाबेट्स के। जैसे क्वेश्चन 4 में हमने पोजीशंस देखी थी, वैसे इस क्वेश्चन में भी हम देखते हैं C की पोजीशन जो होती है वो होती है 3, और X की पोजीशन क्या होती है, 24। उसी तरह हम सबकी लिख लेंगे पोजीशंस। तो इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, जो सम है इन दोनों की पोजीशंस का, यानी C की पोजीशन और X की पोजीशन का जो सम है वो है 27। उसी तरह से E और V की पोजीशन होती है 5 एंड 22, इनका सम भी बनता है 27। H और S की पोजीशन है 8 और 19, सम इज़ 27। और K और Q की जो पोजीशंस है 11 और 17, इनका सम क्या बनता है, 28। तो इस लॉजिक से क्या होगा, हमारा जो K और Q है ये आपका ऑड वन आउट आ जाएगा, और आंसर होगा आपका करेक्ट ऑप्शन डी। इसी क्वेश्चन को देखने का एक और वे है, अगर हम अल्फाबेट्स को कुछ इस तरह से लिख लेते हैं तो हमारा ऑपोजिट अल्फाबेट्स का एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे ए जो है वो स्टार्टिंग से फर्स्ट है और जेड जो है वो एंडिंग से फर्स्ट है। अगर आप रिवर्स में देखो तो जेड फर्स्ट अल्फाबेट आता है, तो ए का जो ऑपोजिट है वो जेड आएगा, उसी तरह से बी का ऑपोजिट वाई, सी का ऑपोजिट एक्स एंड सो ऑन। तो इस क्वेश्चन में हम ये लॉजिक भी यूज़ कर सकते हैं कि सी के ऑपोजिट एक्स होता है तो ये ऑपोजिट लेटर्स हैं, ई के ऑपोजिट वी होता है, दिस इज़ ऑल्सो ऑपोजिट लेटर्स, एच के ऑपोजिट होता है एस, तो ये भी हमारा ट्रू आ रहा है। पर K और Q जो है वो ऑपोजिट नहीं है, K के ऑपोजिट आता है P और J के ऑपोजिट आता है Q, तो ये हमारा जो है ऑपोजिट लेटर्स का कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो कर रहा, इसलिए भी D जो है हमारा सही आंसर था।
तो जो भी लॉजिक आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग द राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन 6, विच इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन ऑड वन आउट, और इसमें भी ऑप्शंस में एनालॉजी के कुछ पेयर्स दिए हैं। तो इसमें लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं। कार का एक पार्ट होता है व्हील, ठीक है। प्लांट का एक पार्ट होता है फ्लावर, ठीक है। प्लांट में लीव्स भी होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, स्टेम होती है, ठीक है। उसी तरह से फेस का एक पार्ट होता है आई, ठीक है। बट चेयर और सोफ़ा का ऐसा कुछ रिलेशन नहीं है, चेयर और सोफ़ा में ये लॉजिक नहीं लग रहा। देयरफोर हमारा जो ऑड वन आउट है वो होगा ऑप्शन सी। अब देखते हैं रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन। सो क्वेश्चन 7 में क्या बोला गया है, पॉइंटिंग टू अ बॉय सुरेश सेड, ठीक है, दो लोगों की बात की जा रही है। तो सुरेश ने क्या बोला है, ही इज़ द सन, यानी ये जो बॉय है उसके बारे में बोला, ही इज़ द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। तो ये बात की जा रही है सुरेश के रेफरेंस में। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का एक वे है कि हम राइट से लेफ्ट जो है ये स्टेटमेंट को पढ़ना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर अगर सुरेश है और वो अपनी मदर की बात कर रहा है, ठीक है, ओनली सन ऑफ माई मदर, ओनली सन ऑफ माई मदर कौन होता है, वो सुरेश खुद होगा। तो यानी ओनली सन ऑफ माई मदर की जगह हम सीधे सुरेश लिख सकते हैं। और बॉय कौन था, सुरेश ने बोला बॉय कौन है, बॉय इज द सन ऑफ सुरेश, ठीक है, सुरेश का ही वो सन होगा। अब पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू दैट बॉय, अगर ये बॉय जो है वो उसका सन था तो सुरेश कौन हो जाएगा, फादर। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर दिया गया है ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो यानी ए मेल है और उसको हम प्लस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, मेल्स को प्लस से और फीमेल्स को माइनस साइन से करेंगे। ए ब्रदर है यानी मेल होगा और वो किसका ब्रदर है, बी का। बी जो है वो सिस्टर है सी की, यानी बी फीमेल हो जाएगी और वो सी की सिस्टर है। सी इज़ द फादर ऑफ डी, फादर यानी मेल और डी के फादर है, यानी जेनरेशन गैप दिखाना है तो हम वर्टिकल लाइन से दिखा देते हैं। ध्यान देने वाली बात ये है इस क्वेश्चन में कि डी का जेंडर जो है वो मेंशन्ड नहीं है कहीं भी। पूछा क्या गया है इस क्वेश्चन में, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, यानी ए से होते हुए हमने डी पे जाना है, ए के रिस्पेक्ट में देखना है कि डी कौन है। तो अगर हम देखें ए का जो ब्रदर है वो है सी, ठीक है, और ब्रदर का या तो सन होगा या डॉटर। तो इस लॉजिक के हिसाब से ए से रिलेशन देखना है तो डी क्या होगा, या नेफ्यू या नीस। बट ऑप्शंस में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है नेफ्यू और नीस करके, इसीलिए हम ऑप्शन डी को जो है टिक कर देंगे, जो है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ये बेस्ड है नंबर सीरीज टॉपिक पर। नंबर सीरीज के क्वेश्चंस जो हैं वो यूजुअली इस लॉजिक से निकल ही जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, कि अगर हम डिफरेंस देखते जाएं कंसेक्यूटिव नंबर्स का, तो 36 को 34 बनाने के लिए -2 किया गया है, उसी तरह 34 को 30 बनाने के लिए -4 किया गया, 30 को 28 बनाने के लिए -2, एंड देन अगेन 28 में से 4 माइनस करके 24 मिल गया। तो जो मिसिंग नंबर है वो हमें मिलेगा कैसे, अगर हम 24 में 2 माइनस कर दें तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 22। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ये बेस्ड है वेन डायग्राम्स पे। हमें चार डायग्राम्स ऑप्शन में दी गई है और हमें बताना है पिजन, बर्ड और डॉग, इन तीनों की वेन डायग्राम कौन सी होगी। तो पिजन जो है वो एक टाइप ऑफ बर्ड है, यानी एक बड़ा सर्कल होगा जो बर्ड्स को रिप्रेजेंट करेगा और उसके अंदर एक सर्कल बनेगा जो पिजन्स को रिप्रेजेंट कर देगा। और डॉग जो है उसका इनसे कोई रिलेशन नहीं है, वो अलग से सर्कल बन जाएगा आपका डॉग्स का। तो हमारा ऐसा रिलेशनशिप ऑप्शन डी में दिखाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जहाँ पे आउटर सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है बर्ड्स को, इनर सर्कल पिजन्स को, और ये अलग से जो बना है ये डॉग्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ये बेस्ड है डायरेक्शन सेंस पे। शोभा वॉक्स 20 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट, तो अगर हम अपनी डायरेक्शंस देखें तो वो कुछ इस तरह से होती है। तो 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट अगर हम देखें इस तरह से उसने चला, एंड देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स अनदर 15, यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है। अगर ईस्ट से लेफ्ट टर्न लेना है तो हम एंटी क्लॉकवाइज में देखते हैं, नॉर्थ होता है, नॉर्थ की तरफ जाएगी और 15 मीटर्स चलेगी। अब बोला गया है देन शी टर्न्स राइट एंड वॉक्स 25 मीटर्स, नॉर्थ जा रही थी और राइट टर्न लेना है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखो तो ईस्ट होता है। तो अब वो ईस्ट की तरफ जाएगी और वो कितना चलेगी, 25 मीटर्स।
फाइनली शी टेक्स अनदर राइट टर्न. अनदर राइट टर्न यानी ईस्ट जाते हुए राइट टर्न लेना है, तो क्लॉकवाइज में देखो क्या बनता है, साउथ. तो अब साउथ की तरफ जाएगी और क्या दिया है, 15 मीटर्स चलेगी. तो कुछ इस तरह से हम बता सकते हैं कि वो साउथ गई और 15 मीटर्स उसने फाइनली चला. क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाउ फार इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट तो हमारा यहाँ पर था और यहाँ पर वो करंटली है, तो हमें जो ये डिस्टेंस है ये बताना है क्या होगा. अगर यहाँ तक हमने देखना है डिस्टेंस तो वो तो 20 था, और ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, 25. तो टोटल डिस्टेंस जो है वो हमें निकालना है, वो क्या होगा, 20 प्लस 25. ये वाला जो 20 लेना है हमने और दिस 25, इनको ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 45 मीटर्स. तो यही हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन सी, 45 मीटर्स. क्वेश्चन नंबर 12, ये भी बेस्ड है डायरेक्शन सेंस पे. तो इसमें देखते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस मुकेश गोज 6 किलोमीटर्स टुवर्ड्स साउथ. तो यहाँ से अगर उसने 6 किलोमीटर्स चला टुवर्ड्स साउथ और उसके बाद उसने क्या किया, लेफ्ट टर्न लिया और 3 किलोमीटर्स वो और चला. साउथ से लेफ्ट टर्न लेना है एंटी क्लॉकवाइज में देखो तो ईस्ट पड़ता है, और यहाँ पर वो चलेगा 3 किलोमीटर्स. फाइनली ही टर्न्स राइट. अब ईस्ट जा रहा था और राइट टर्न लेना है, यानी वो साउथ की तरफ जाने लगेगा और वो चलेगा अनदर 6 किलोमीटर्स. पूछा क्या गया है, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस. हाउस तो यहाँ पर था जो उसने स्टार्ट किया था जहाँ से. अब उसने डायरेक्शन पूछी है, डिस्टेंस नहीं पूछा. तो जब हमें डायरेक्शन बतानी है तो यहाँ पर हम अपनी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना सकते हैं, और हमें यहाँ से जो पता चल जाएगा कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में वो करंटली था. तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, साउथ ईस्ट. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, दिस इज बेस्ड ऑन वेन डायग्राम्स. इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ट्राइंगल जो है वो गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो स्क्वायर है ये वाला, जो कि एक्चुअली रेक्टेंगल दिख रहा है, बट वी गेट द पॉइंट कि वो प्लेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सर्कल जो है वो कोच को रिप्रेजेंट करेगा. पूछा क्या गया है, विच पार्ट ऑफ द डायग्राम रिप्रेजेंट गर्ल्स. ठीक है, यानी इस ट्राइंगल के अंदर ही जो है हमारा वो आंसर आएगा, यानी आंसर पी क्यू आर में से ही होगा, क्योंकि हमें पहले ही बोल दिया गया है कि गर्ल्स बतानी है. आगे देखते हैं, गर्ल्स हु आर प्लेयर्स. ठीक है, तो गर्ल्स हु आर प्लेयर्स कौन सी सेक्शन देगी, प्लेयर्स जो हैं वो इस रेक्टेंगल में है, स्क्वायर जो भी बोलना है, यानी जो ये वाला पार्ट है ये तो नहीं हमें कंसीडर करना. दिस मीन्स कि पी भी कैंसिल हो जाएगा, क्यू और आर में से ही हमारा कोई सही आंसर होगा. आगे देखते हैं, गर्ल्स हु आर प्लेयर्स तो हमने बता दिया क्यू और आर में से ही होगा, बट नॉट कोच. अब उन्होंने बोला कि जो कोच वाला पार्ट है वो निकाल दो, यानी ये वाला पार्ट जो है निकाल देना है. कौन सा पार्ट निकाल देना है, हमने ये पार्ट नहीं लेना है, यानी आर भी हमारा कैंसिल हो गया, हमें कोच नहीं चाहिए. ठीक है, तो फाइनली हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, क्यू, ऑप्शन बी जो है इसका वो करेक्ट होगा. तो क्वेश्चन 14 देखते हैं, सेम ही क्वेश्चन है, सेम फिगर पे बेस्ड है, बट क्वेश्चन में पूछा गया है प्लेयर्स दैट आर गर्ल्स एज वेल एज कोच. तो हमें वो कैटेगरी बतानी है जो प्लेयर्स भी होंगे, गर्ल्स भी, प्लेयर्स दैट आर गर्ल्स एज वेल एज कोच, यानी कोच भी होना चाहिए, यानी तीनों कैटेगरी का कॉमन. तो लेट्स सी, अगर हम ध्यान से देखें, ये ट्राइंगल है और ये पार्ट जो है ये स्क्वायर का है, यानी क्यू और आर तो आ गया, बट हमें क्या बोला है, एज वेल एज कोच, तो कोच भी होना चाहिए, यानी सर्कल के अंदर भी बिलोंग करना चाहिए. ऐसा कौन सा पार्ट है, सिर्फ आर वाला पार्ट. तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, आर. तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये आर वाला पार्ट जो है रिक्वायर्ड, कि जो प्लेयर्स भी है, गर्ल्स भी और कोच भी. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, जहाँ पे हमें आर दिया हुआ है. अब देखते हैं क्वेश्चन 15, दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन नंबर सीरीज. तो इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक यूज किया गया है, 3 को 6 बनाने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 2, एंड देन 6 को 8 बनाने के लिए प्लस 2, देन 8 को 16 बनाने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 2, 16 को 18 बनाने के लिए प्लस 2. तो हमें जो आंसर है वो कैसे मिलेगा, 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से. तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 36. तो इस क्वेश्चन में दिया गया है, इफ कंप्यूटर इज कॉल्ड माउस, माउस को बोला जाता है कीबोर्ड, कीबोर्ड को मॉनिटर, और मॉनिटर को बोला जाता है सीपीयू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर टाइपिंग.
सो टाइपिंग के लिए हम यूजुअली क्या यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं कीबोर्ड। बट इस कोड लैंग्वेज में कीबोर्ड को क्या बोला गया था? कीबोर्ड इज़ कॉल्ड मॉनिटर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मॉनिटर इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 17 देखते हैं। यहाँ दिया गया है टॉय का कोड SMV है और शॉप का कोड हमें ऑप्शंस में से बताना है। तो इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगाया गया है? टी में माइनस वन करके एस बना दिया गया। पोजीशंस में अगर एक पोजीशन पहले जाए एस के बाद टी आता है। ओ को एम बनाने के लिए माइनस टू, क्योंकि एम के बाद आता है एन एंड देन ओ आता है। और वाई से माइनस थ्री कर दो, वी डब्ल्यू एक्स एंड देन वाई, है ना। वाई को वी बनाने के लिए माइनस थ्री किया गया पोजीशन में। तो यही लॉजिक इस क्वेश्चन में लगा है, माइनस वन माइनस टू एंड माइनस थ्री। तो उसी तरह से लॉजिक हम लगाएंगे शॉप पर। तो एस में से हम करेंगे माइनस वन, एस की पोजीशन में से माइनस वन, एच की पोजीशन में से हम जाएंगे दो प्लेसेस पीछे, ओ से हम जाएंगे थ्री प्लेसेस और पी से हम जाएंगे फोर प्लेसेस। तो एस से एक पोजीशन पहले क्या आता है? आर, ठीक है। एच से दो पोजीशन पहले आता है एफ, है ना, एफ जी एंड देन एच। ओ से तीन पोजीशन पीछे जाएंगे तो हमें मिलेगा एल, क्योंकि एल के बाद आता है एम एन एंड देन ओ, तो थ्री पोजीशंस का डिफरेंस हो गया। पी से चार पोजीशंस पीछे जाना है तो एल एम एन ओ एंड पी, तो पी से फोर पोजीशंस पीछे जाएंगे तो हमें मिलेगा एल। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, आर एफ एल एल। क्वेश्चन 18 देखते हैं। यहाँ दिया गया है मैंगोज आर गुड का कोड है 743, ईट गुड फूड का है 657, मैंगोज आर राइप का है 934। और पूछा क्या गया है फाइनली कि राइप का कोड हमें बताओ। तो राइप का कोड जानने के लिए हमें इस सेंटेंस पे ध्यान देना है कि मैंगोज आर राइप। तो अगर हमें मैंगोज आर का कोड मिल जाए 934 में से, तो हम राइप का बता पाएंगे? तो थर्ड कोड बचेगा वो राइप का होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें कि मैंगोज आर, ये दोनों ही वर्ड्स यहाँ भी प्रेजेंट हैं और थर्ड सेंटेंस में भी प्रेजेंट है, तो इनका जो कोड है इसमें दो डिजिट्स जो है कॉमन होंगे, यानी 743 और 934, 4334 ये कॉमन है। तो ये हमारे जो कोड है ये हो जाएंगे मैंगोज और आर के, यानी जो 7 बचा वो होगा गुड का कोड और जो 9 बचा है वो होगा राइप का कोड। तो सही आंसर जो है हमारा आ जाएगा ऑप्शन ए, 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो यहाँ पर हमने करना है इस फिगर का पैटर्न कंप्लीट और बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह फिट होगा। तो ये क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे एलिमिनेशन के थ्रू, कि दो लाइंस जो इस तरह से बन रही हैं वो तो सभी फिगर्स में गिवन है, यहाँ से हम एलिमिनेशन नहीं कर सकते। तो हमें देखना है कि ये कॉर्नर पर जो है ज्वाइन नहीं हो रही, ये जो टिल्टेड लाइन हमारी बनेगी ये कॉर्नर पर ज्वाइन नहीं हो रही है, ये कुछ इस तरह से बनेगी। तो हमारी फर्स्ट टू ऑप्शंस जो हैं वो कैंसिल हो गई। अब हमें थर्ड और फोर्थ में से देखना है कि यहाँ पर हमें कुछ नहीं दिया जैसे कि थर्ड में गिवन है, तो थर्ड ऑप्शन भी कैंसिल। देयरफॉर हमारा जो आंसर होगा वो होगा फोर्थ फिगर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, फोर्थ फिगर। तो आई होप आप लोग साथ साथ सॉल्व कर रहे थे एंड आप नोट कर रहे हैं कि आपके कितने क्वेश्चंस अभी तक सही हुए हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर हर एक फिगर में कॉर्नर से कॉर्नर एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन की गई है, वो सभी ऑप्शंस में है। तो सीधे देखते हैं कि जो सर्कल फिगर है वो कुछ इस तरह से कंप्लीट होगी, ठीक है, कुछ इस तरह से, और वो एक मून की शेप में बनी है, ठीक है। साथ ही अगर हम ध्यान से देखें ये जो लाइन है वो उसके पूरा पास थ्रू हो रही है कॉर्नर टू कॉर्नर। तो फर्स्ट ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें इस मून की जो डायरेक्शन है वही उल्टी दी गई है। सेकेंड ऑप्शन हो सकता था, बट यहाँ पर जो लाइन है वो पास थ्रू नहीं हो रही, तो सेकेंड ऑप्शन कैंसिल हो गया। फोर्थ ऑप्शन में जो लाइन है ये पूरे कॉर्नर तक नहीं लाई गई, देयरफॉर फोर्थ ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा, थर्ड फिगर जो है वो सही होगी, इसीलिए इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन सी। तो इसी के साथ हमारे 20 क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। आई होप आप सब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए होंगे। जितने भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आप ज़रूर कॉमेंट करके बताइए कि कितने हुए 20 में से। फाइनली मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यूट्यूब के अलावा आप हमसे बाकी सोशल मीडिया पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम। इन सभी सोशल मीडिया के लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर प्रिपरेशंस।